अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOPSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामिया 201 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है ऑबिडेंस ऑफ प्रॉफिट एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको क्या अथॉरिटी चाहिए होती है, यानी क्या अथॉरिटी अपनानी चाहिए ताकि कानून को चलाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें बताया गया यहाँ पे। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपको ऑबिडेंस ऑफ प्रॉफिट में ये बताया गया है कि इसके वट एवर द प्रॉफिट इंजॉयज यू एक्सेप्ट एंड वट एवर द फॉरबिड यू अवॉइड। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको तरीके बताया है इस पर इंजॉयज यू, यानी इसको आप इंजॉयज करें, उस पर अमल करें, उस पर एक्सेप्ट करें, एंड वट एवर यू फॉरबिड यू अवॉइड, और जो आपको मना किया गया है यानी फॉरबिड किया गया है वो आप नहीं करें, ये बताया गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये बताया गया है दैट ज्यूज हैव बीन स्प्लिट अप इंटू 71 सेक्ट, यानी कि ज्यूज जो है वो 71 सेक्ट यानी फ़िरके में तकसीम हुए हैं। ठीक है, 71। ठीक है, और आगे लिखा था क्रिश्चियन इंटू 72, यानी क्रिश्चियन जो 72 सेक्स, एंड द मुस्लिम्स विल बी स्प्लिट अप इंटू 73 सेक्स। तो ये बताया गया है कि इतने सेक्ट्स पे मुसलमान ज्यूज क्रिश्चियन तकसीम हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम कितने, तो ज्यूज कितने होगा 71, क्रिश्चियन होगा 72 और मुस्लिम होगा 73। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, आगे लिखा है जे में आई टिम डिजी। ठीक है, इन दिस के कनेक्शन इट मे बी मेंशन दैट अरेबियन यूज द नंबर 70। ठीक है, अब अरेबियन जो है नंबर यूज़ कर रहे हैं 70 वेरी ऑफ्टन स्टैंड फॉर मैनी। ठीक है, अब अरेबियन में 70 के मीनिंग नंबर के मीनिंग होते हैं मैनी, यानी कि मैनी 70 से ज़्यादा भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू नेट द एक्चुअल अथेमेटिक फिगर। ठीक है, ये एक्चुअल अथेमेटिक फिगर नहीं है, जैसे फिर बताया गया 70। ठीक है, तो आगे वो कह रहे थे द प्रॉफिट ऑब्वियसली इंटेंड टू से डेट ही डेट द सेक्ट्स एंड डिविजन अमंग मुस्लिम वुड बी वेरी मैनी। वह कह रहे हैं कि जितने मुस्लिम्स के फैक्ट्स हैं, यानी कि जो फिरके हैं, वो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ज्यूज एंड क्रिश्चियन। ठीक है, इवन मोर देन दोस अमंग द ज्यूज एंड क्रिश्चियन, यानी ज्यूज और क्रिश्चियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ठीक है, सिंपल इसमें यह बताया गया। आगे चलते हैं, आपको आयत दी या पढ़ लीजिएगा। तो आज इसमें आगे कह रहे हैं ओ से ओ मोहम्मद इफ़ यू लव गॉड फॉलो मी गॉड विल लव यू एंड फॉरगेट योर सिंस गॉड इज़ फॉरगिवन। ठीक है, वो कह रहे हैं मोहम्मद इफ़ यू लव करो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करोगे, मोहम्मद करोगे करोगे उसको बताया गया तरीके पर अमल करोगे तो गॉड विल लव यू, फिर गॉड तुम्हें उसका बदले में तुम्हें वो भी प्यार करेगा एंड फॉर तुम्हारे सारे गुना माफ़ कर देगा, एंड गॉड से गुना के सारे माफ़ कर देगा, एंड गॉड इज़ फॉर गिव बेशक खुदा जो है वो गफूर रहीम यानी रहम करने वाला है। द सुन्नत ऑफ द प्रॉफिट इज़ देयरफॉर नेक्स्ट टू द कुरान। ठीक है, तो हमारे जो असल की सुन्नत मिलती है वो हमें कुरान के जरिए भी मिलती है, देयरफॉर नेक्स्ट टू द कुरान द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लाम, यानी एक सेकंड सोर्स है इस्लाम का कुरान। ठीक है, लॉ ऑफ सोशल एंड पर्सनल बिहेवियर। ठीक है, जो हमारे सोशल पर्सनल बिहेवियर को हमारे वो बताते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वी मस्ट रिगार्ड द सुन्नत एज द होली वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान टीचिंग। ठीक है, तो हम लोग को कुरान की अच्छी सी तालीम जो है कुरान से मिल सकती है अगर हम उसको पढ़ें। ठीक है, सिंपल से इसमें ये टीचिंग वगैरह बताई गई। ठीक है, आगे आ रहा था ऑबिडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि हमारे जो लीडर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, किस तरीके से वो ऑफर करें, किस तरीके से वो चलाए। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो उसमें कह रहा था रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द इस्लामिक सिस्टम, कह रहे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो रोल होता है इस्लामिक सिस्टम के मुताबिक इनिशियल टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शरा, तो ज़रूरी के है कि उस शरा के मुताबिक इम्प्लीमेंट करें, यानी हमारे मजहब के मुताबिक जो कहा गया वो उस पर अमल करें। फॉर दोज़ हू फॉलो इट अमंग द ट्रेडिशन ऑफ इस्लामिक स्टूडियो, इस्लामिक स्टेट के हैं वो उस चीज़ को फॉलो करें एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक स्टेट, यानी इस्लामिक स्टेट के मुताबिक वो चलाएँ। ठीक है, पॉइंट आते टू डियर फेथ इन इस्लाम और टू द डियर रिजल्ट ऑफ द प्रोटेक्शन इट प्रोवाइड। ठीक है, थर्ड इस्लामिक स्टेट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ टू सब्जेक्ट एंड न्यू साइट ऑफ लीगल। ठीक है, तो अपनी तरीके पर रहते हुए बताया, अपनी तरीके रहते हुए अमल करें। ठीक है, तो ये बताया गया इट इस फॉर दिस रीजन डेट इस्लामिक सिस्टम डिफर फ्रॉम ऑल मैन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ना कि जो दूसरा मैन सिस्टम है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये बताया गया था मुस्लिम ऑनगोइंग ऑफिस बिलीवर्स अल्लाह फॉलोवर्स और अफसर शरा ही सोटेन एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, वो कह रहे हैं द मुस्लिम ऑइंग इज आई बिलीव, मुस्लिम को जो है ठीक है वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले और इधर फॉलोवर्स हमें सुनना सुनना को फॉलो करें, ये सर्टेन डेट इज और यही सोचा। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें। ठीक है, तो आगे पैराग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है, ये आया दी हुई है तो आप ये देख लीजिएगा, इसके अलावा देखें आगे वो कह रहे हैं कि हलीफा अबू बकर प्रोसिमिलेटेड हिज प्रिंसिपल इन हिज फर्स्ट एड्रेस आफ्टर बिन खलीफा बैसी, जब खलीफा अबू बकर जब खलीफा बने तो इसके बाद उन्होंने कहा कि, तो ये बताया गया उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, तो वही कह रहे हैं एड्रेस आफ्टर बिकमिंग खलीफा बैसी, वो खलीफा बन गए थे। ओबे मी एज लॉन्ग आई ओबे अल्लाह, ठीक है, एंड हिज प्रॉफिट इफ एवर आई शुड डिसओबे देम देन यू नीड नो लॉन्गर टू ओबे मी, तो वही कह रहे हैं कि मुझे फॉलो करो यानी मेरी बात मानो, ओबे मी एज लॉन्ग आई ओबे अल्लाह, जब तक कि मैं अल्लाह की पैरवी मान रहा हूँ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जो उस वक्त तुम फॉलो करो,
लेकिन अगर जब मैं आप छोड़ यानी मैं अल्लाह उसके रसूल के अकाम पर छोड़ दूँ तो फिर तो मुझे भी ऑबे मत करो, यानी कि मुझे भी मेरे हिसाब से तो मुझे भी फॉलो नहीं करो और मेरी भी बात नहीं मानो, तो ये उन्होंने कहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑल द राइटली गाइडेड खलीफा एंड द जस्ट इमाम आफ्टर फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ द शरिया। तो इसके बाद जितने भी खलीफा बने जितने भी इमाम बने तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, ठीक है। विच हैज़ कम टू नो थ्रू एन लॉ ऑफ शरा टैक्स विच टेक कलेक्टिव है परमिटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें नाजिल हो गया, नवाज हो गया। दिस लेट अस सेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इस्लाम, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, ठीक है। ठीक है, तो एक मतलब आप लेक्चर को जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह लिखी ताकि आप लोग समझ में आ जाओ, अच्छे से समझ में आ जाओ। बाकी आप लेक्चर तो एक मतलब वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि इसमें जो है एक्सप्रेशन आपको दी गई है वहाँ पर दिमाग में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।